चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच आए दिन नोकझोंक बढ़ती ही जा रही है। जहां ईडी द्वारा अब तक 5 समन्स को अरविंद केजरीवाल ने इग्नोर किया है, वहीं ईडी ने अब उनके खिलाफ कदम उठाते हुए सीधे दिल्ली के एक कोर्ट का रुख किया है उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए। हालांकि इसके अलावा भी अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ बोले गए एक डिफेमेशन केस की वजह से भी फंसे नजर आ रहे हैं। पॉलिटिक्स में आए दिन ये बहुत कॉमन हो गया है जब एक नेता अपने भाषण में किसी दूसरे नेता के ऊपर कुछ गंदे रिमार्क्स पास कर दे, पर इससे ज्यादा ये कॉमन हो गया है जब लोग हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जुड़े बड़े कमेंट्स पास करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, जहां आए दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का गुणगान हर जगह छाया हुआ है राम मंदिर के सपने को साकार करवाने के लिए, वहीं कई लोगों ने राम मंदिर के इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी को पॉलिटिकल भी कहा है। उन लोगों का ऐसा मानना है कि 2024 में जनरल लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं और बीजेपी इस मामले में हिंदुओं से वोट लेने के लिए रिलीजन को इसमें शामिल करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ कई नेता ने भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा है हमारे देश के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को डिफेम करने का, जिसमें टॉप में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और यहाँ तक कि बिहार के फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे हैं। और इसी के एक डिफेमेशन केस में फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव फंसे हुए दिखे हैं। क्या है ये मुद्दा और उन्हें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी क्यों पड़ी है, इस वीडियो में हम देखेंगे। ये बात तो हालांकि किसी से छुपी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को डिफेम करना मिनिस्टर्स के लिए कितना ही बुरा साबित हुआ है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल और किसी का नहीं बल्कि राहुल गांधी का है। आप चौंक जाएंगे कि राहुल गांधी पर अभी करंट में 10 डिफेमेशन केसेस चल रहे हैं और उनमें से 8 तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ ही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट करते हुए जब राहुल गांधी ने ये कह दिया था कि मोदी सरनेम के सारे लोग चोर ही होते हैं क्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, How come they all have Modi as common surname? How come all the thieves have Modi as the common surname? तो उन्हें भी क्या मालूम था कि ये मामला उनसे उनकी पार्लियामेंट में सीट छीनने का काम करेगा। इस मामले में जब गुजरात के कोर्ट्स ने उन्हें दोषी ठहराते हुए डेफामेशन के मामले में उन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट सुना दी, तो राहुल गांधी लोकसभा से डिस्क्वालीफाई हो गए। ये डिस्क्वालीफिकेशन तब जाकर खत्म हुआ जब इस मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया था। जहां राहुल गांधी लोकसभा से डिस्क्वालीफाई हुए थे, वहीं अरविंद केजरीवाल को भी प्राइम मिनिस्टर को डिफेम करने के मामले में 25,000 रुपए फाइन भरना पड़ा था। और ऐसा ही कुछ आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ बोला है, जिसकी वजह से वे सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट करने के चक्कर में फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया को दिए एक स्टेटमेंट में ये कह दिया था दैट ओनली गुजरातीज कैन बी थग्स इन द प्रेजेंट सिचुएशन एंड देयर फ्रॉड क्राइम विल बी फॉरगिवन, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ दे एब्सकॉन्ड आफ्टर दे आर ऑफर्ड द मनी बिलोंगिंग टू द LIC एंड बैंक। बस फिर क्या था, गुजरातियों को ये रिमार्क बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने का काम आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने किया है। और इसी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करते हुए हरीश मेहता, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एन NGO कॉल्ड ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंटिव काउंसिल, एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जा पहुंचे, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में आरजेडी लीडर को समन भी भेजा था। हालांकि जब तेजस्वी यादव को शंका हुई कि इस मामले में जांच अगर गुजरात कोर्ट में होगी तो इन्फ्लुएंस होने के चांसेस ज्यादा हैं, वे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे और जस्टिसेस अभय एस ओका और पंकज मित्तल की बेंच के सामने जा पहुंचे इस मामले को गुजरात से उठाकर दिल्ली या फिर पटना ट्रांसफर करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह मामला सुनते ही इस मामले पर फिलहाल के लिए स्टे तो लगा दिया और इसी के साथ आरजेडी लीडर को एक नोटिस इशू किया। आप चौंक जाएंगे ये सुनके कि आगे आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट सबमिट किया कि वे इस स्टेटमेंट कि गुजराती ठग हैं को वापस ले रहे हैं। इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कम्प्लेनेंट हरीश मेहता के काउंसिल को बोला कि वे अपने क्लाइंट से पूछ कर आए कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने तो अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया है एंड स्टेटेड द स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर नाउ, मेक अप योर माइंड नाउ, व्हाई डू यू वांट टू प्रोसिक्यूट द कम्प्लेंट, he has withdrawn that part of the statement in which he has used certain expressions, so what more remains now? Supreme Court bench ne is mamle ko ek hafte baad list kiya, jiske beech complainant ke counsel ye pooch ke aayenge ki ab aage kya karna hai. Halanki ek week ke baad complainant ne RJD leader Tejaswi Yadav pe wapis se ungli uthate hue kaha ki unke dwara jama kiya gaya affidavit jisme unhone apne remarks ko withdraw kiya hai ढंग का नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट बेंच को इस मामले की खबर हुई तो उन्होंने आरजेडी लीडर को फटकारते हुए इस मामले में एक प्रॉपर एफिडेविट सबमिट करने को बोला और एक हफ्ते का टाइम भी दिया। और इसके बाद वापस से जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सोमवार को पिक किया था
तो इस पे अपना फैसला बेंच ने रिजर्व कर लिया है। अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट बेंच इस मामले में तेजस्वी यादव को राहत देती है या नहीं। आपको बता दें कि ये बहुत ही आम बात है कि आए दिन मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट करने के साथ किसी एक कम्युनिटी को भी टारगेट करते हैं, जैसे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और अब तेजस्वी यादव के मामले में देखने को मिला है। द कंप्लेंट अगेंस्ट यादव वॉज फाइल्ड अंडर सेक्शंस 499 एंड 500 ऑफ द इंडियन पिनल कोड फॉर एलिस्ट क्रिमिनल डेफामेशन। डेफामेशन केस में हरीश मेहता ने कहा था दैट द स्टेटमेंट वॉज मेड इन पब्लिक एंड कॉलिंग द एंटायर गुजराती कम्युनिटी थग्स, डिफेम्ड एंड ह्यूमिलेटेड ऑल गुजराती। आपको बता दें कि थग इज अ रोग, स्लाई एंड क्रिमिनल पर्सन एंड सच अ कंपैरिजन विद द एंटायर कम्युनिटी विल कॉज पीपल टू आउटलुक एट गुजरातीज विद सस्पिशन, मेहता सेड व्हाइल सीकिंग मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर तेजस्वी यादव। इसी के साथ अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ एडवर्स रिमार्क्स पास करना अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी लीडर संजय सिंह को भी काफी भारी पड़ा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल और सिंह ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री को ही टारगेट कर दिया था। चीफ मिनिस्टर केजरीवाल और एमपी संजय सिंह द्वारा ये एलिज किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री फर्जी और पूरे देश में मीडिया के माध्यम से ये खबर आग की तरह फैल गई थी। चीफ मिनिस्टर केजरीवाल बस यही नहीं रुके थे, उन्होंने इसमें आगे कदम बढ़ाते हुए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को एक लेटर लिख दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ी जानकारी पब्लिक करने की मांग करते हुए। उन्होंने अपने लेटर में लिखा था कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए डिग्री को पब्लिक किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले पर गुजरात हाई कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को जमकर फटकारा था और उन पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया था। ये जुर्माना उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री की मांग किए जाने के बदले लगाया गया था। इस मामले में हालांकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने उल्टा केजरीवाल पर केस किया था कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के खिलाफ गंदे एलिगेशंस लगाए हैं। हालांकि अभी रिसेंट की हियरिंग में केजरीवाल और संजय सिंह के काउंसिल ने गुजरात यूनिवर्सिटी को घेरते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी ऐसे कैसे डिफेमेशन का केस फाइल कर सकती है, जबकि ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं किए गए थे। एंड स्टेटेड स्टेटमेंट्स आर नॉट अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी एंड आल्सो आर नॉट डिफेमेटरी, इट इज अगेंस्ट समवन एल्स। स्टेटमेंट्स डू नॉट स्टेट दैट यूनिवर्सिटी गेव आउट अ फ्रॉस्ट और डुप्लीकेट डिग्री, द टारगेट ऑडियंस इज समवन एल्स। आई एम नॉट गेटिंग इनटू राइट रॉन्ग मॉरल इमोरल स्टेटमेंट्स बिकॉज दिस इज अ लीगल प्रोसीडिंग। सीनियर काउंसिल रेबेका जॉन हालांकि यही नहीं रुकी, आगे उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी को दोबारा से घेरते हुए कहा कि एक्यूज्ड यानी कि चीफ मिनिस्टर केजरीवाल और एमपी संजय सिंह दोनों ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि यूनिवर्सिटी ने डिग्री फ्रॉड किया है और ना ही उनका ऐसा कोई इरादा था। शी सेड हाउ देयर हैज बीन एनी डिफेमेटरी इंप्यूटेशन अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी, बोथ माय क्लाइंट्स हैव नॉट सेड दैट द यूनिवर्सिटी हैज फ्रॉड द डिग्री, द कॉन्टेक्स्ट इज नॉट द यूनिवर्सिटी, नोवेयर हैव द टू मेन सेड दैट द यूनिवर्सिटी हैज फ्रॉड द डिग्री और हैज गिवन अ फर्जी डिग्री। There was no intent to defame the university at all. अब इस मामले में भी केजरीवाल और संजय सिंह को कब रिलीफ मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। अरविंद केजरीवाल की वैसे परेशानियां अभी कम नहीं हुई है और उल्टा वापस बढ़ते ही जा रही है, तो बात साफ है कि मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ बोलना काफी भारी पड़ता है। तो देखते हैं कि क्या आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव को इस मामले में जल्दी रिलीफ मिलेगी या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज़।